कि जो हमारी वित्त मंत्री है खुद एक महिला है, निर्मला सीतारमण, कई बार से बजट पेश कर रही हैं। इस बार कोरोना के महामारी के बीच बजट आने वाला, आपको क्या लगता है क्या कर दे सरकार जो इस बार आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो? जो हमारे घरेलू सामान है वो उससे, घरेलू सामान में क्या चीज़, खाने पीने की चीज़ें, रोजमर्रा की चीज़ें? ठीक है सब, बाकी जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंज्यूमेबल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो सब ठीक होना चाहिए उनका प्राइस। तो अगर आपको कोई भारत में बनी हुई चीज़, जैसे ये अगर एक हमने मान लीजिए, फर्ज कीजिए ये एक बॉटल है, ये इंडिया में बनी हुई है, ये 100 रुपये की है, ये दूसरी बॉटल है वो चाइना में बनी हुई 80 रुपये की है, तो आप उसको खरीदेंगे या इसको खरीदेंगे? नहीं, हम इंडियन को खरीदना पसंद करेंगे। वाकई सरकार एक गार्जियन की तरह होती है और सब गार्जियन से चाहते हैं कि वो उनकी भलाई के लिए काम करें। देखिए सदर बाजार की ये गली है, मैं चाहूँगा कि अपने कैमरा सहयोगी साहब को दिखाएं और यहाँ देखिए सदर बाजार की इस गली में जो आपको लोग दिख रहे हैं ये दिल्ली के ही नहीं है, दिल्ली के बाहर से भी आए हुए लोग हैं। ये काइंड ऑफ एक मिनी इंडिया का आप यहाँ से सेंस ले सकते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, खासकर ट्रेडर्स जो कम्युनिटी है वो क्या चाहते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि उनके दिल की बात टटोले, उनके नब्ज टटोले और आप तक पहुँचाएं। सरकार ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है जो इंडिया में बनती हैं और भारत से भी, बाहर से भी आती है, तो बाहर से आने वाली चीज़ों को डीमोटिवेट करने के लिए ताकि लोग लोकल आइटम को खरीदें उन पर कस्टम ड्यूटी बजट में बढ़ा सकती है, कैसा लगता है आपको? सर ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर ये सब चीज़ें ना चाइना के लेवल पर ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो हमारी मार्केट को, हमको बहुत नुकसान पहुँचाती है। पर यदि हम ये सोचें ना कि हम अपने लेवल पर इस चीज़ को ख़त्म कर सकते, नहीं कर सकते। देखिए ये सच्चाई है कि चाइना का माल कोई नहीं बेचना चाहता। इम्पोर्टेड होगा बहुत कुछ? जी चाइना से। चाइना से बता सकते हैं क्या क्या आता है चाइना से? सर चाइना का अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इस टाइम खाता में सारे इंडियन है, संबल हम बेच रहे हैं, सब इंडियन है। अब नहीं बेच चाइना का जी। क्यों सेलिंग नहीं है? महंगा है, कोई ले नहीं रहे। चाइना का महंगा है, हम तो ये समझते हैं चाइना का सस्ता होता है। ना अब नहीं, पहले थे जब सस्ते थे, अब आ ही नहीं रहे, कोई माल नहीं आ रहा। अब ये जो चाइना की है हमारे यहीं बनने लगा, इसलिए हम कैमरा सहयोगी से कहूँगा थोड़ा अंदर आ जाएं और दिखाएं। आप बताइए जैसे कौन सा आइटम है जो चाइना से आ रहा था और अब इंडिया का है? यहाँ है अवेलेबल ही नहीं, जैसे ये आइटम था ये आ रहा था, ये सारे जो शोपीसेस हाँ ये अब हमारे यहीं बन रहे हैं, यहीं बन रहे हैं अब। ये कहाँ के बन रहे, कहाँ से आए हैं इंडिया में? अपने इधर ही बनते हैं लोकली, जैसे दिल्ली के मतलब NCR में बनता है, फैक्ट्रियाँ लगी हैं वहीं से आते हैं ये सब। अब इक्का दुक्का चाइना बचा हुआ वैसे बिकता नहीं है। GST का कुछ करना चाहिए इनको ना, हमारे हिसाब से जो हमारी आइटमों पे 18% GST उसके अंदर कुछ राहत देनी चाहिए हमें, थोड़ा सा नेगो बाहर करना चाहिए। हमारे हिसाब से ये है कि फ्लैट एक 10% GST कर दें सारी आइटमों पे तो बेटर रहेगा कस्टमर के लिए भी, क्योंकि किसी को भी बताओ इतने GST 18% कोई देना नहीं चाहता। 5% वाला दे दो आइटमों के, 5% आइटमें, 2% आइटमें हमारे पास है जिसपे 5% GST। लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ देश की इकॉनमी को, IMF कह रहा है कि इस साल 8% नेगेटिव होगी ग्रोथ, लेकिन IMF ये भी कह रहा है कि 2021 में 11.5% ग्रोथ होगी भारत की, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी। तो ये तो इकोनॉमिस्ट ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, हम लोग तो जो चीज़ देखते हैं उसके ऊपर बात। तो सड़क पे दिखनी चाहिए ना सर, हमें नहीं दिख रही ना। किसी भी इकोनॉमिक्स की क्लास में आपको यह सूत्र नहीं मिलेगा जो आपको इस सड़क पर मिल रहा है कि चीज़ चाहे 8 रुपये की हो चाहे 8,000 की हो, जब आदमी की जेब में पैसा नहीं होता तो असर सब पे आता है। लॉकडाउन में नुकसान आपको भी हुआ होगा, तो अब तो लग रहा है कि चीज़ें सही हो रही हैं, तो आपकी दुकानदारी, आपका बिजनेस सही नहीं हुआ? नहीं सर, दुकानदारी तो थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन अब जो है अब जो हालात हैं इस समय तो बिल्कुल बाजार में काम ही नहीं है। पहली बात तो काम ही नहीं है, मालिक कहता है अगर तुम्हें कहीं और ज़्यादा तनख्वाह मिलती है तो आप वहाँ काम कर लो, हमारे पास अभी इतनी ही मिलेगी, और मेरा बढ़ाने का साल भी आया था तो मालिक ने सैलरी बढ़ाने से मना कर दिया। सीनियर सिटीजन को और बजट में क्या चाहिए? बजट में कब किसी ने क्या दिया जी, गवर्नमेंट ने किसी ने कुछ? सीनियर सिटीजन को सर टैक्स में एक्स्ट्रा छूट मिलती है और बढ़नी चाहिए क्या? लोकल को तो जीरो है जी सर, लोकल तो 70% जीरो माने जी। तो देखिए नए भारत का बजट कैसा होगा और नए भारत के बजट से भारत के लोगों को क्या उम्मीदें हैं, ये नब्ज टटोलते टटोलते हमने सदर बाजार के लोगों की नब्ज टटोली, और भी लोगों से बात करेंगे। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।